हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस क्या होता है, मतलब एग्जीक्यूटर क्या होता है और बिल्ड क्यू क्या होता है बेसिकली। और फिर हम लोग इसका नंबर भी चेंज करेंगे, कॉन्फिगर भी करेंगे, इसको चेंज भी करेंगे, क्या होता है चलिए जानते हैं हम लोग। तो एग्जीक्यूटर का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप कितना जॉब, ये डिनोट करता है कि आप कितना जॉब पैरेलली रन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप एक से, मेरा यहाँ पर हम एक साथ तीन जॉब, मेरा J1 J2 J3 तीन जॉब है, ठीक है। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है कि स्लिप कमांड चलाया है, तो स्लिप कमांड चलाया तो क्या करेगा, ये जॉब उतना सेकंड तक रन करेगा, ठीक है। इसको मैंने खाली सिंपल सा स्लिप कमांड चलाया तो ये क्या करेगा, जॉब उतना सेकंड तक ये रन करेगा, तो हम मैं ये प्रैक्टिकल आपको दिखा सकूंगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, J1 और J2 को रन करूंगा, तो J1 J2 रन करूंगा तो दोनों जॉब पैरेलली रन करेगा क्योंकि यहाँ पे दो जगह हमने दिया है। पर आप J3 रन कीजिएगा, उस केस में क्या होगा, ये J3 जो होगा रन नहीं करेगा जब तक कि J1 और J2 में से कोई एक रन ना कर जाए, जगह खाली ना हो जाए एग्जीक्यूटर का। तो इस बीच क्या होगा, J1 और J2 जब जिस समय रन करेगा उस समय J3 क्या होगा, क्यू में रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैंने J1 रन किया, J1 रन किया तो ये आया एग्जीक्यूटर में। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने J2 रन किया, J2 रन किया तो ये भी आएगा एग्जीक्यूटर में, ये दोनों जॉब रन कर रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, J3 रन करूंगा तो J3 हमारा एग्जीक्यूटर में नहीं आएगा, क्यू में आएगा। यहाँ देखिए क्यू में चला गया, क्योंकि हम लोग का स्टेट क्या कॉन्फिगर है कि हम लोग में ये हम लोग डाले हैं कि दो ही जॉब हम लोग पैरेलली रन कर सकते हैं, तीसरा जॉब रन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कितना जॉब भी चलाइए सब जॉब जाएगा हमारा क्यू में। पर देखिए जैसे ही J1 रन कंप्लीट हुआ J3 स्टार्ट हो गया। तो यही एग्जीक्यूटर का बेसिक सा मतलब कि आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना जॉब आप पैरेलली रन कर सकते हैं। अब इसको हमें चेंज कैसे करें, एक बात और बता देता हूं, ये जो एग्जीक्यूटर होता है पर नोड बेसिस होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कंपनी में डायनेमिक वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारा जिस नोड पे हम अपना चला रहे हैं सर्वर, उस नोड पे बेसिकली हम लोग नहीं चलाते हैं, हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट वर्कर नोड होता है बैकएंड पे, जिसपे हम लोग अपना जेनकिन सर्वर क्या करता है, जॉब रन करता है। पर बेसिकली अभी मैं जैसा प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं वही मतलब कर रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें कि जिस पे जेनकिन सर्वर रन कर रहा है उसी पे जेनकिन सर्वर क्या कर रहा है, अभी जॉब रन कर रहा है। पर बाद में हम लोग जब डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग डॉकर कंटेनर का यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग दूसरे दूसरे सिस्टम को यूज करेंगे एज अ वर्कर नोड, तो वहाँ पे भी हम लोग को ये व्हील एग्जीक्यूटर सेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा डिफरेंट नोड के लिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो जिसपे मेरा अभी बिल एग्जीक्यूट मतलब नोड जिसपे जॉब मेरा रन कर रहा है वो मेरा कौन सा नोड है, अभी बाय डिफॉल्ट मास्टर नोड है जिसपे मेरा सर्वर रन कर रहा है। तो हम उसका बिल्ड एग्जीक्यूटर का स्टेटस चेंज करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो कि सिर्फ एक ही जॉब रन करे, जब एक ही जॉब रन करे दो जॉब पैरेलली रन ना करे, ठीक है। मतलब जब भी रन करे एक जॉब जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, दूसरा जॉब स्टार्ट ही ना हो, दूसरा जॉब क्या हो क्यू में चले जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एग्जीक्यूटर का नंबर चेंज करना पड़ेगा जो कि अभी कितना है 2, हम इसको 1 करना चाहते हैं। इसको कैसे करते हैं हम लोग चले जानते हैं। तो आप लोग को जेनकिंस को मैनेज करना है तो मैनेज जेनकिंस में आना पड़ेगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेता हूं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज जेनकिंस पे आके मैनेज नोड एंड क्लाउड पे क्लिक करना है। बेसिकली मैनेज नोड एंड क्लाउड पे वो सब कॉन्फ़िगरेशन होता है वर्कर नोड के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे नोड हो गया, क्लाउड हो गया, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर नोड आप बनाते हैं तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक ही वर्कर नोड है, अभी ये एक वर्कर नोड है और ये नोड वही है जो कि आप जिसपे सर्वर आपका रन कर रहा है जेनकिन सर्वर। तो इस पर क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप कॉन्फिगर में आइएगा, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर जो अभी है यहाँ पे 2 है, इसको मैं करना चाहता हूँ 1 की, 1 कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नोड मतलब एक ही जॉब पैरेलली रन कर, मतलब एक ही जॉब रन करेगा पैरेलली, या पैरेलली यहाँ तो होगा ही नहीं, मतलब एक ही जॉब रन करेगा एक टाइम पे। अगर आप दूसरा जॉब रन कीजिएगा, जब दूसरा जॉब रन कीजिएगा और उस समय अगर कोई जॉब रन कर रहा होगा तो क्या होगा, दूसरा जॉब क्यू में चले जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी मेरा एग्जीक्यूटर 1 है, इसको आप देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा अभी ये पेज को, तो यहाँ पे देखिए अब जो बिल्ड एग्जीक्यूटर में सिर्फ एक ही जॉब रन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ये J1 रन किया, J1 एग्जीक्यूटर में आया, पर जैसे ही आप J2 रन कीजिएगा तो ये क्यू में चले जाएगा J2, और J3 रन कीजिएगा ये भी क्यू में चले जाएगा। मतलब जितना भी जॉब अब आएगा वो सब क्यू में जाएगा, जैसे J1 खत्म होगा पहले J2 आएगा एग्जीक्यूटर स्टेट में, फिर उसके बाद J3 आएगा। तो ऐसे ही आप बिल्ड एग्जीक्यूटर को चेंज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्ड एग्जीक्यूटर समझ में आया होगा, एग्जीक्यूटर होता क्या है, कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। और लास्ट में एक बात और बता देता हूँ कि जो एग्जीक्यूटर होता है
पर नोड बेसिस होता है। मतलब आपका अगर 10 वर्कर नोड है तो 10 वर्कर नोड के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटर आप सेट कर सकते हैं कि जब जी जॉब उसमें जॉब जब जॉब रन करे आपका दूसरा एग्जीक्यूटर में तो उसका स्टेटस कुछ और रहे, फिर मतलब दूसरे अगर नोड वन में रन करे तो उस केस में 2 एग्जीक्यूटर रहे, नोड टू में रन करे उस केस में 3 एग्जीक्यूटर रहे, तो ये आप फिक्स कर सकते हैं। पर अभी मैं एक चीज यहाँ दिखाता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ इस एग्जीक्यूटर को, जैसे कि इस एग्जीक्यूटर का नंबर बढ़ा के मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज आपको एक प्रैक्टिकल अभी और दिखाना चाहता हूँ इसमें, तो ये 3 हो गया और इसको मैं रिफ्रेश कर दिया, देखिए 3 एग्जीक्यूटर आ गया। अब इस केस में क्या कीजिएगा, आप जॉब वन रन कीजिए, ठीक है, जॉब वन रन कीजिएगा तो जॉब वन तो रन करेगा, आप फिर दोबारा जॉब वन रन कीजिए तो ये दोबारा जॉब वन आप क्लिक कीजिएगा, देखिए ये जॉब वन चला गया हमारा क्यू में, जबकि यहाँ पे जगह खाली है एग्जीक्यूटर में तब भी जॉब वन हमारा क्यू में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है कि कोई एक जॉब एक टाइम पे एक ही बार बिल्ड हो सकता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि एक जॉब एक साथ में एक ही बार, मतलब ऐसा समझिए जो J1 जॉब है उसको आप एक बार बिल्ड कर रहे हैं, जब तक वो जो ये J1 एक बार बिल्ड ना हो जाए दूसरी बार आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नेचर ये जॉब कराता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कॉन्करेंट की ये फीचर होता है ये जेनकिंस में जॉब का नेचर को आप चेंज करना, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में फिलहाल में एग्जीक्यूटर आपको समझ में आ चुका है, और एग्जीक्यूटर समझ में आ चुका है तो और क्यू भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है चैनल वीडियो को लाइक करें, जितना जितना हो सके शेयर करें। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।